मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बाहुबली द कॉन्क्लूजन के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर पहुंचे निर्देशक SS राजामौली, एक्टर प्रभास और राणा दग्गुबाती ने फिल्म से जुड़ी कई दिलचस्प बातें बताई। मुंबई में आयोजित किए गए इस ट्रेलर लॉन्च में निर्देशक ने वादा किया कि ये फिल्म पिछली फिल्म से ना सिर्फ बड़ी होगी बल्कि बेहतर होगी। निर्देशक ने फिल्म को दो हिस्सों में बनाए जाने के पीछे की वजह का खुलासा करते हुए कहा, हमने फिल्म को दो हिस्सों में बनाया क्योंकि कहानी लंबी थी। हमारा विचार बाहुबली का फ्रेंचाइज करने का नहीं था, लेकिन बाहुबली की दुनिया अब कॉमिक्स, टीवी सीरीज और नॉवेल्स तक जाएगी। हमने इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस को बढ़ाया है। इतना ही नहीं, राजामौली ने आगे कहा कि कहानी अब पहले की तरह नहीं है। जिन लोगों ने बाहुबली का पहला पार्ट नहीं देखा है उनके लिए शायद फिल्म के दूसरे पार्ट से खुद को जोड़ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इस बात का पूरा ख्याल रखते हुए मेकर्स ने फिल्म के दूसरे पार्ट की रिलीज से पहले एक बार फिर से पहले पार्ट को रिलीज किए जाने की योजना बनाई है। राजामौली ने कहा, पार्ट टू की रिलीज के एक या दो हफ्ते पहले हम पहले पार्ट को रिलीज करने की योजना बना रहे हैं ताकि लोग कहानी से ठीक तरह से जुड़ सकें। आपको बता दें कि बाहुबली 2 द कॉन्क्लूजन का ट्रेलर 16 मार्च को रिलीज किया जा चुका है। ट्रेलर को मिलने वाला रिस्पांस बहुत शानदार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।